हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अनु गुप्ता व्लॉग्स। मैं हूं अनु गुप्ता। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आई हूं कि थोड़ा मेरे चैनल से और मेरी वीडियो से थोड़ा सा हटके है। आज जिस चीज़ की मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करूंगी वो है ये फेस शील्ड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, सभी लोग इसे फेस कर रहे हैं, इस कोरोना वायरस फेस को, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होती है फेस शील्ड, वो मैं आज आपके साथ इसको ओपन करूँगी, अनबॉक्स करूँगी। ये कार्टून के अंदर आया था, उसके बाद ये एक ऐसे रैपर के अंदर पैक होके आया है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि फेस शील्ड वैसे कैसी होती है, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए अंदर से देखते हैं ये कैसी आई है। तो अंदर से देखिए, ये कुछ इस तरीके की आती है। ये कवर है, ये कैप हेलमेट टाइप ही बोल सकते हैं कि जो हेलमेट का आगे का जो फ्रंट होता है उसका है, और ये है भी ब्रांड का, स्टड्स का है ये, डॉक्टर शील्ड वैसे इसे बोला जाता है। तो अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है इसकी, कंफर्टेबल लग रहा है, और प्लस जो ये ट्रांसपेरेंट ग्लास जो दे रखी है, शीट दे रखी है ट्रांसपेरेंट हमारी, तो ये बहुत लाइट वेट में है, तो ये इसका वेट भी ज़्यादा नहीं है और इजी टू क्लीन है, सैनिटाइज कर सकते हो, और ये हमें प्रोटेक्शन देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना इस समय ज़्यादा फैल रहा है, लोग इसे ले रहे हैं और लोग इनको यूज़ कर रहे हैं, तो इसको पहनना तो बहुत इजी होता है, जैसे कि हम हेलमेट पहनते हैं उसी तरीके से हमें पहनना है, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है कोरोना वायरस से, बाकी चीज़ों से भी, इन्फेक्शन से, डस्ट से। मैं ये नहीं कहूँगी खाली कोरोना वायरस से ही हमें प्रोटेक्ट करता है, पहले भी ये चीज़ें आती थी, बट लेकिन जब से कोरोना वायरस आ रहा है तो इन चीज़ों की डिमांड भी बढ़ गई है, लोग इनको अपनी डेली वीकली मतलब डेली चीज़ों में यूज़ करने लग गए हैं। और ये बैग से ये ऐसे फॉर्म वाला है ये पूरा, और ये इलास्टिक दे रखा है इसके अंदर, तो आप इसको अपने हेड के सर के अकॉर्डिंग इसको पहनना होता है, तो इसको आप लूज टाइट दोनों चीज़ें इसकी कर सकते हैं। और ये ऐसे दिखता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जैसे हेलमेट दिखते हैं वैसे ही ये फेस शील्ड दिखती है। और ये ब्रांड का मैंने लिया है स्टड्स का, जैसे कि आपको नहीं पता होगा कि स्टड्स की जो पूरे एशिया में सबसे बड़ी जो प्लांट है वो इसका फरीदाबाद के अंदर है, तो वहीं से सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहीं से बनता है ये सारा। तो अगर इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये है, मेरे को मिल गया 250 से 300 के बीच में मिल गया के रेट के ऊपर है, क्योंकि इस समय इन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा महंगा भी मिल सकता है, और 250-300 के बीच में आ जाएगा आराम से। नॉर्मल बाकी कंपनी भी हैं जिनके आ रहे हैं फेस शील्ड वगैरह, और लोग उनको यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, तो अगर देखा जाए तो ऑल ओवर मेरे को ये प्रोडक्ट अच्छा भी लगा। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए इसको अनबॉक्स कर रही हूँ ताकि आपके साथ मैं एक बात शेयर कर सकूँ कि ये सब चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग होके जो आ रही हैं कहीं से कंपनी से, उन वो अकॉर्डिंग अपने तरीके से बनाते हैं। ये देखिए, ये जो इसकी फॉर्म है ये कितनी सॉफ्ट है, ताकि आपको जब ये पहनो तो इसमें आपको दर्द ना हो, मतलब कंफर्टेबल फील करें आप लोग इसके अंदर। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर आपको बता दी कि ये कितने का है, और ये स्टड कंपनी का है, बाकी कंपनियां भी इसको बना रही हैं, और इजी टू क्लीन, आप इसको वाइप करेंगे नॉर्मल कॉटन के कपड़े से भी तो ये वाइप हो जाएगा, और सैनिटाइज़ करना चाहते हैं तो ये सैनिटाइज़ भी हो सकता है। तो एक ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि आप इसको अपने डेली रूटीन लाइफ में ज़रूर इसे एक अपना हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है वायरस से भी, बाकी चीज़ों से भी, इन्फेक्शन से भी। तो अगर हम सब चीज़ें कर लेते हैं, और मेरे को एक इसमें एक प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर DIY मत करिए, DIY मत करके बनाइए, क्योंकि अगर आप एक बात बताइए, अगर नॉर्मल सी चीज़ होती है जब हम खर्चा 500-700 हज़ार रुपये का पहनने या खाने ओढ़ने पे कर देते हैं, तो एक है क्या ये 250-300 रुपये की चीज़ को हम परचेज़ नहीं कर सकते, जब हम मास्क परचेज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी परचेज़ कर रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं इसका DIY बना के मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी इस बात को गलत वे में मत लेके जाइएगा कि मैं ये बोल रही हूँ कि DIY मत करिए, लेकिन किसी किसी चीज़ के ऊपर हम DIY नहीं कर सकते हैं कि होममेड चीज़ को बना के हम उसको यूज़ कर लिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना वक्त होता है, दौरा होता है, कि हाँ कि ये टाइम कुछ टाइम के लिए कह सकते हैं कोरोना वायरस का फेस सब जगह चल रहा है, शायद ये भी ख़त्म हो जाए साल के साथ साथ। तो अगर वीडियो आपको प्लीज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, बाकी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दी हैं, और ये आपको अमेज़ॉन पे, केमिस्ट शॉप पे, हर जगह अवेलेबल है ये फेस शील्ड। तो ये मेन तो
तो उनके लिए होता है जो बहुत वर्किंग रहते हैं, उनको प्लीज़ इनको पहनना चाहिए। हमारे जैसे हाउसवाइफ एक बार के लिए मास्क से काम चला लेते हैं क्योंकि उन हम लोगों को ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो मैन होते हैं या स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो जेंट्स वगैरह हैं जिनको बाहर निकलना है, कंटिन्यू निकलना है, जिनको घर में बैठ के काम तो चलता नहीं, दे सीधी सी एक बात है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है, कोई सी भी ब्रांड का करिए। मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरीके से आते हैं, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद घर के लिए अपने मंगाई थी, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।